Jai Bangla! Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. I told the retiring president that we are facing this situation today merely because power was not transferred soon after the military action in March. जैसे जैसे हमारे political leaders बात करते हैं वैसे वैसे हमारा मुल्क टूटता जा रहा है फिर उसने कहा उधर तुम खुश इधर हम खुश पैसे जी वाले थे मगर इतने करीब नहीं थे तो मुझे सेलेक्ट किया गया था कि जाकर ताजुद्दीन को पकड़ो 10 दिन के बाद मुझे हुक्म मिला कि शेख मुजीबुर रहमान का घर जो है वो तुम्हारे पास तो तुम उसको लुक आउट करो संभालो खालदा जिया को इसलिए पकड़ा था कि उनका जो मियां था ना जिया वो आर्मी में मेजर था उसको पकड़ने के लिए गए हुए थे वो तो भाग गया उसकी बीवी को उठा के लिए आई स्पेंट 2 साल 4 महीने 16 दिन मैं कैद में रहा हूं एज Prisoner of war और एक-एक दिन मैंने गिन के गुजारा है, एक-एक दिन गिन के गुजारा। बंगाली soldiers बुरे नहीं थे, हमारे साथ 65 वार में उन्होंने सितारे जुरत भी लिया हुआ था, मेरे अपने coursemates वगैरह ने, बंगाली बुरे नहीं थे, मगर ये थे हमने उनको बुरा बनाया और बुरा समझा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.